हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और कलर्स के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और आज ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से IIT JEE में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है कैलकुलस में, मतलब इसमें हम ज्योमेट्री को कैलकुलस के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो टोटल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 11th क्लास में सरल रेखा पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट अब हम कैलकुलस के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, सबसे पहले टेंजेंट्स पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे फिर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो दोनों को एक एक पार्ट में पढ़ेंगे, पहले टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन नॉर्मल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखें कि एक्चुअल में टेंजेंट होता क्या है। तो आपको मालूम है कि यदि हम ये मैं टू एक्सिस बनाया, सपोज ये हमारे पास टू एक्सिस हैं जिसमें ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक्स वाई एक्सिस में हमने सपोज एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक कर्व लिया। सपोज हमने ये एक कर्व लिया, ओके, ये हमने एक कर्व लिया और इस कर्व पर हमने एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा ड्रा किया। एक टेंजेंट है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, सपोज हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिया x1 y1 पॉइंट पर यह टेंजेंट उसको टच करता है। तो इस टेंजेंट का हमको इक्वेशन पढ़ना है, इस टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ना है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए, टेंजेंट के इक्वेशन को समझने से पहले हमको समझना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, ग्रेडियंट माने प्रवणता। और जैसे हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, सपोज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये कर्व का फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और जब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में हो तो dy/dx जो होता है, dy/dx का जो वैल्यू है, इस dy/dx को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और ये जो टेंजेंट होता है वह टेन थीटा के इक्वल होता है, ये आपको पता है dy/dx, ये हमने स्ट्रेट लाइन में 11th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो ये इसका टेंजेंट कहलाता है, इसका सॉरी ग्रेडियंट कहलाता है ना। टेंजेंट मतलब टेन थीटा के इक्वल होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, dy/dx ये टेन थीटा के इक्वल होता है। ओके, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, बस इसको लिख लो टेन थीटा, और यह कहलाता है इसकी प्रवणता। यह हम इसका ग्रेडियंट कहते हैं, प्रवणता कहलाते हैं। इस तरह से यदि हम इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो यह होता है y-y1 इक्वल dy/dx, और ये dy/dx होगा किस पॉइंट पर, x1 और y1 पॉइंट पर, जो पॉइंट हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जिस पॉइंट पर इस कर्व को यह टेंजेंट स्पर्श करता है, उस पॉइंट का dy/dx और इनटू x-x1, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद रखना है, y-y1 इक्वल टू dy/dx ऑफ x1 y1 इंटू x-x1। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
नोट करके लिखोगे। पहला ये कि सपोज हमारा ये जो है टेन थीटा का वैल्यू है, dy by dx क्या है, टेन थीटा का है। तो पहले अपन कंडीशन देखते हैं, x अक्ष के समांतर होगा, x एक्सिस के समांतर। देखो यदि लाइन x एक्सिस के समांतर हो तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x अक्ष से बनाया गया कोण होता है, तो यदि यह x अक्ष के समांतर हो तो थीटा क्या होता है, जीरो होता है। देयरफॉर उस कंडीशन में यह जो tan थीटा होगा वो जीरो होगा, tan थीटा इक्वल टू जीरो होगा। और tan थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो मैंने आपको बताया dy by dx tan थीटा होता है, देयरफॉर यहां से हमको मिल जाएगा dy by dx इक्वल टू जीरो। और तब इस कंडीशन में जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा, ये यदि जीरो हो गया तो हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन आप ध्यान में रखोगे, x अक्ष के समांतर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब हम कह सकते हैं ये इस एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट होता है उसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन, क्लियर। और सेकेंड पॉइंट में हम देखें, x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत मतलब ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये x अक्ष के लंबवत हो जाएगा। और x अक्ष के लंबवत होने के कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप देखो उस कंडीशन में हमको मिल जाएगा ये tan थीटा इक्वल टू जीरो था, और यहाँ पर मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और उस कंडीशन में यदि ये इन्फिनिटी हो जाए तो अपान में जीरो, तो ये हमको मिल जाएगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो। तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन होता है x अक्ष के लंबवत, और y माइनस वाई वन क्या होता है x अक्ष के समांतर। तो ये दोनों इक्वेशन को आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। दोनों इक्वेशन में एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए, ये जो मैंने बताया है वह क्या है, x अक्ष के लंबवत, माने इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो, और ये मैंने जो लिखा है इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। तो इसको ध्यान में रखेंगे, और ये जो फार्मूला है ये इस तरह से, शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे वो तो ओनली टेंजेंट फाइंड करने के लिए होगा, ठीक है। हम आज के क्लास में इसके बेसिक फंडामेंटल के साथ कुछ इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद इसका सेकंड नंबर का जो पार्ट होगा उसमें हम फिर डिटेल में इसका स्टडी करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर, ओके। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, टेंजेंट मतलब होता है इस तरह से किसी कर्व को टच करता हो जो लाइन होता है, टेंजेंट होता है, इसका ग्रेडियंट होता है dy by dx इक्वल टू tan थीटा, जिसको हिंदी में हम प्रवणता कहते हैं। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है, ये टेंजेंट यदि x अक्ष के समांतर हो तो उसका समीकरण ऐसा होता है, इसको उल्टा है याद रखना, x अक्ष के समांतर मतलब ऐसा, और x अक्ष के लंबवत को हम y अक्ष के समांतर भी कह सकते हैं, y अक्ष के समांतर भी कहा जा सकता है, ध्यान में रखना, x अक्ष के लंबवत का ही मतलब होता है y अक्ष के समांतर, जो लाइन x अक्ष के लंबवत होगा वही तो y अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो x अक्ष के समांतर टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो, और y अक्ष के समांतर टेंजेंट का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो, इसको आप ध्यान में रखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसके, ओके। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं इसके लिए, सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर बेस्ड स्टडी करा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं, एक कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये हमारे पास एक कर्व का इक्वेशन है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात किए जिसका निर्देशांक x निर्देशांक 3 है, ठीक है।
मतलब इसका हमको फाइंड करना है ग्रेडियंट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल थ्री। क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? यदि ये कोई कर्व का इक्वेशन है तो उस कर्व के इक्वेशन का हमको प्रवणता ज्ञात करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है, और कहाँ पर ज्ञात करना है अपने को? x इक्वल टू थ्री पर इसकी हमको ज्ञात करना है प्रवणता, x इक्वल टू थ्री पर इसकी प्रवणता ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो चूंकि हमको पता है y इक्वल एक्स की घात तीन माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अब ग्रेडियंट फाइंड करना है मतलब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के सापेक्ष, तो dy वाई बाई डी एक्स अपने को मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये हो गया। दैट इक्वल इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर, क्लियर, और माइनस इसका हो जाएगा थ्री। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स हो जाएगा ए थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, टू का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया। अब हमको फाइंड करना है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू थ्री। क्वेश्चन में बोला है कि x इक्वल टू थ्री पर आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो थ्री के वैल्यू को हम यहाँ पर ला के पुट अप कर देते हैं। तो दे आर फोर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, dy वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे थ्री, थ्री पर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर हम थ्री लिख देंगे इसके वैल्यू को, ऐसा लिखने का तरीका है। और यहाँ पर वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे जो हमको ये मिला हुआ है, तो हो जाएगा थ्री, और ये हो गया थ्री का स्क्वेयर माइनस थ्री, ओके। दैट इक्वल ये 27 माइनस थ्री इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर हमको ग्रेडियंट मिल जाएगा क्या 24, ओके। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हम इसको क्या ज्ञात करना था, हमको ग्रेडियंट फाइंड करना था कि x इक्वल टू थ्री पर उसका प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभी आज मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ग्रेडियंट फाइंड करने पर, कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं कुछ अलग ढंग के। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके लेते हैं। देखिए नेक्स्ट ये इक्वेशन है y इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस थ्री माइनस वन, y इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस थ्री माइनस वन, ये y इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस थ्री माइनस वन, ये हमारा क्या है, एक कर्व है और हमको इसका ग्रेडियंट दिया हुआ है। तो फाइंड पॉइंट्स फाइंड पॉइंट्स इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू बाई थ्री। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमको क्या करना है, ये कर्व है तो हमको फाइंड पॉइंट्स पॉइंट्स फाइंड करना है, मतलब कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, x और y, मतलब जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट कर्व को टच करता है वो पॉइंट हमको फाइंड करना है। लेकिन कब, जब उसका ग्रेडियंट दिया है क्या, dy by dx equal to 2 by 3, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो अभी हमने क्या किया, ओनली टेंजेंट फाइंड किया, अब टेंजेंट दिया हुआ है, सॉरी ग्रेडियंट, टेंजेंट नहीं ग्रेडियंट, प्रवणता दिया हुआ है, तो प्रवणता के हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है, उस पॉइंट को फाइंड करना है। किस तरह से सॉल्व होगा देखिए, चूंकि y इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस थ्री माइनस वन रूट के बाहर है, क्लियर, देयरफॉर अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 4x माइनस थ्री माइनस वन। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो दैट इक्वल ये रूट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सामने आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/√ ऑफ 4x माइनस थ्री, पावर का हो गया, और 4x माइनस थ्री का चेन रूल से फिर होगा तो 4x माइनस थ्री का कितना हो जाएगा 4 और इसका क्या हो गया 0। ये रूट आया समझ में आपको, इतना डिफ्रेंशिएशन तो आप बहुत सारा कर चुके,
ये आपको पता है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, दैट इक्वल है टू, इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो मिल जाएगा टू रूट ऑफ 4x माइनस 3। इसका डिफरेंशिएशन सबको आया ना समझ में, इसका डिफरेंशिएशन आया समझ में सबको, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, ये हो गया 1/2 √x, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो मिलेगा क्या आपने को 4 मिलेगा, 4x का 4, 3 का 0 हो जाएगा, ये हमको मिल गया। अब यहां से हम देखते हैं कि हमको dy by dx का वैल्यू कितना दिया है, 2/3, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये dy by dx का वैल्यू है, तो therefore 2/√4x − 3 इक्वल टू, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, ये 2/3, ये क्वेश्चन में दिया है कि इसका वैल्यू कितना है, 2/3 है। दैट इंप्लाइज इसको हम सॉल्व करें, 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल कर दें अपन, ये हो जाएगा √4x − 3 इक्वल टू 3, दोनों साइड का स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो मिल जाएगा 4x − 3 इक्वल टू 9, दैट इंप्लाइज 4x इक्वल टू ये हो गया 12, therefore x इक्वल टू 4 डिवाइड होगा तो कितना मिल गया 3, x का वैल्यू 3 मिल गया। अब इसके साथ हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू हमको यहाँ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, सपोज ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है तो therefore फ्रॉम फर्स्ट, या नाम भी नहीं दोगे तो सीधा यहाँ पर पुट करो, तो x का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें तो y इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ यहाँ 3 पुट करूँ तो 4 3 12, तो 12 − 3 और −1, दैट इक्वल 12 − 3 मतलब 9, ठीक है, और 9 का रूट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3 − 1 इक्वल टू 2, इस तरह से y का वैल्यू हमको मिल गया 2, और हमको क्वेश्चन में बोला है क्या, फाइंड पॉइंट्स, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 3 and 2, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो क्वेश्चन में आपको वही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना है कि पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दिया हुआ था और उस इक्वेशन के हेल्प से हमको फाइंड पॉइंट फाइंड करना था, कब, जब उसका ग्रेडियंट क्या हो, 2/3 हो। तो हमने सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx निकाला, dy/dx को 2/3 की इक्वल किया, सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला और हमको पॉइंट मिल गया क्या, 3 and 2, तो इसके पॉइंट्स हैं 3 and 2, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आज मैं इस तरह से टेंजेंट के कुछ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत तरह के क्वेश्चन हैं ज्योमेट्री में, जितनी वैरायटी होती उस तरह क्वेश्चन इसमें है, सेकंड पार्ट में आप उसको बताऊंगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसमें अब। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनएकेडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500 वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा, और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनएकेडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए इस पर नए पैटर्न पर देखिए एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कि सपोज हमारे पास जो वक्र का
कर्व का इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन, माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन, ये कर्व का इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, फाइंड पॉइंट। फाइंड पॉइंट्स यहां पर भी हमको फाइंड करना है पॉइंट्स को, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स हमारा जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स अक्ष के पैरेलल है। सुनो ध्यान से, ये कर्व का इक्वेशन है और हमको एक्स वाई पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन कब, जब टेंजेंट पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। पूरे ज्योमेट्री के लैंग्वेज को आपको इसमें समझना है। क्वेश्चन आ गया समझ में, हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब हमको क्या करना है, उस पॉइंट को फाइंड करना है। तो किस तरह से बनेगा, कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे कर्व का इक्वेशन, सिंस वाई इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन, ये हो गया टेंजेंट। अब देखो हमको मालूम है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय बताया था कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स को टू बाई थ्री दे दिया था, लेकिन यहाँ पर उसको इनडायरेक्ट दिया हुआ है। इनडायरेक्ट क्या दिया हुआ है कि वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट टेंजेंट इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, ये हम लिख लेंगे। तो जब उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है, ये हम जानते हैं। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, ठीक है। तो देयरफॉर ये हमने टेंजेंट निकाला, ये हमारा टेंजेंट है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, थ्री पूरे इक्वेशन में डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये थ्री, तो प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स, है ना, कैसे ब्रेक होगा ये थ्री इसका, और उसको तोड़ने पर आना चाहिए टू थ्री, तो टू नहीं थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ऐसा तोड़ सकते हैं ये माइनस नहीं नहीं प्लस एक्स ना, ये सॉरी प्लस एक्स, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स आएगा, थ्री इंटू माइनस थ्री आएगा, ओके। अब इसको हम ब्रेक करें तो यहां से एक्स को कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं, दैट मीन्स वन, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, देयरफॉर एक्स इक्वल टू थ्री एंड माइनस वन। एक्स के टू वैल्यूज मिल गए अपने को, थ्री और माइनस वन, लेकिन हमको इसके साथ ही साथ हमको वाई का भी वैल्यू चाहिए क्योंकि बोला है पॉइंट्स एक्स और वाई पॉइंट, ठीक है। तो हम इसके साथ दोनों वैल्यू को फाइंड करेंगे, वहां पर मैं कॉर्नर में डायरेक्ट लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना, अगला पेज यूज करूंगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, ये यहां पर लिख रहा हूं। तो इफ एक्स इक्वल टू थ्री देन वाई इक्वल टू, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए यहां से वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यही वाई का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू मैं थ्री पुट करूं तो थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, ध्यान रखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस यहाँ पर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, मतलब ये भी हो गया थ्री के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 27, ये माइनस 27 हो गया, और यहाँ पर हमारे थ्री का वैल्यू तो वो भी माइनस 27 हो गया, सब माइनस 27 होते जा रहे हैं, ठीक है।
और प्लस सेवन लास्ट में कितना हो गया प्लस सेवन, दैट इक्वल इसको सॉल्व करें तो एक माइनस ट्वेंटी साइंस के साथ कैंसिल आउट हो गया और ये मिल जाएगा अपने को माइनस ट्वेंटी किसके लिए, एक्स इक्वल टू थ्री के लिए। अब हमने पुट किया एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए वाई का वैल्यू क्या होगा, देखो माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री। यहां पर हम माइनस वन रखें तो प्लस नाइन हो जाएगा, प्लस नाइन और लास्ट में प्लस सेवन। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, ये हो गया माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, माइनस फोर को सेवन से अपन माइनस किए तो थ्री, और नाइन थ्री नौ तीन बारह, ये हो गया ट्वेल्व। क्लियर, तो थ्री माइनस ट्वेंटी, एक बार अब मैं आंसर इसका चेक कर लूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, माइनस थ्री, थ्री में माइनस ट्वेंटी माइनस वन में ट्वेल्व। ओके, तो ये यहाँ पर आप देखो इसका आंसर क्या क्या आ गया पॉइंट्स, एक पॉइंट आया ये और एक पॉइंट आया ये, थोड़ा जगह छोटा था तो मैं यहाँ पर लिख दिया, इतना समझ सकते हैं। ये हो गए इसके पॉइंट्स। तो देखो आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिकली उसी पर बेस्ड रहेगा कि जो भी कर्व है उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो कंडीशन दिया है उसको अप्लाई करना है। बस आपको पता होना चाहिए जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जीरो होगा। तो इस तरह से आज टेंजेंट एंड नॉर्मल का मेरा पहला क्लास था, मैंने आपको केवल फंडामेंटल बताया, कुछ क्वेश्चन बताया, आप इतना अच्छे से क्लियर कीजिए और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको इसके स्टैंडर्ड और अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन लेके आता हूँ। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन की अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।